इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में आज वोट पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जबरदस्त टक्कर है, लेकिन वोटिंग के बीच जबरदस्त गुंडागर्दी और हिंसा की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब से थोड़ी ही देर पहले नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियां भी इस पत्थरबाजी की चपेट में आई। मीडिया की गाड़ियों पर भी पत्थर फेंका गया। इस हमले में इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा जख्मी भी हुए हैं। इस हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बंगाल के जंगल राज की तस्वीर है। टाकर लगी है, ये शीशा भी टूटा है और इसके अलावा अरे आपने वो तस्वीर सामने देखी। गाड़ी के ड्राइवर ने सोचा शायद मीडिया की गाड़ी पर पत्थरबाजी नहीं की जाएगी, उन्होंने थोड़ा रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये पत्थरबाज अमादा थे मीडिया की गाड़ियों को भी निशाना बनाने के लिए। और जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी, जोर से एक पत्थर गाड़ी के शीशे पर आकर टकराया, उसके कान चकनाचूर हुए और वही छिटक के इंडिया टीवी के संवाददाता हमारे रिपोर्टर पवन नारा के सिर पर लगे। आप वो जख्म के निशान भी देख सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी, जिनके काफिले के पीछे ही हमारी गाड़ी भी चल रही थी, आप देख सकते हैं पवन नारा ने जाबाजी दिखाई, वो अभी भी इसी बैटल ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यही हमारी ताकत भी है। आप एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए। चोट लगने के बावजूद भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर पूरे जज्बे के साथ हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। संवाददाता बैटल ग्राउंड पर मौजूद है। कैमरा पर्सन जहान, जो कि बाल बाल बच गए इस पत्थरबाजी में, वो भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी को यह पता चला कि इंडिया टीवी संवाददाता पर हमला हुआ तो वो लौट कर आए, उन्होंने पवन नारा का हाल पूछा। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि बंगाल में जंगल राज पूरे देश को देखना चाहिए। पूरा भारत देख रहा है बेगम का जंगल राज, ये सब दुधेल गाय है, शेख रोशन से काजार, ये सब के खिलाफ MBW है, वारंट है, इलेक्शन कमीशन का हुलिया है और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एक्शन दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सतंगाबाड़ी हो मद्रासा दारुल मद्रासा मद्रासा बुद्ध में ये सब कर रहा है, लेकिन CAPF है, बुद्ध का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पत्थराबाजी कर रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये जंगल राज, जंगल राज, ये जंगल राज, मीडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, ये पूरा देश को देखना चाहिए और बंगाल को मतदाता, उसका अगले 6 चरण बाकी है, देखिए क्या कर रहा है। तो सब नहीं, मेरा सुझाव है आप पूरा के पूरा, आप तो ऑफिशियल लीडर आया है, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, आपको कानूनी कार्रवाई चाहिए जी, बिल्कुल। और मेरे लिए आपका खून नहीं, नहीं, हम तो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार फिर से आप वो तस्वीर देखिए, जब हमारी गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, नंदीग्राम के इस इलाके से गुजर रही थी, आगे शुभेंदु अधिकारी का काफिला भी था और इसी बीच ये पत्थरबाज, जो कि बताए जा रहे हैं कि ये TMC के कार्यकर्ता हो सकते हैं, उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी और मीडिया की गाड़ी, इंडिया टीवी की गाड़ी भी इसके चपेट में आई। पत्थर पड़ा, आगे का शीशा टूट गया है और इसी कांच के टुकड़े पवन नारा के सिर पर भी आकर लगे और हल्का खून भी निकला है। आप पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पोलिंग बूथ दर पोलिंग बूथ जा रहे हैं और जब उनका काफिला यहाँ से निकल रहा था तो उसी काफिले में हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है और उन्हें पता था कि ये मीडिया की गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हुआ। सतंगाबाड़ी की ये घटना है जहाँ ये हमला हुआ है। यहाँ मेरे कैमरामैन बैठे थे, यहाँ शीशा लगा है और देखिए ईंट इतनी बड़ी थी कि शीशा पूरी तरीके से टूट गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक ईंट आकर लगी है, ये शीशा भी टूटा है और इसके अलावा
अलावा ये हमारी गाड़ी थी जिसका ये शीशा भी टूट गया है और इसकी हालत ये थी कि शीशा सारा हमारे ऊपर आया और शायद शीशे के टुकड़े मेरे चेहरे पर भी लगे हैं जिसमें खून निकल रहा है। और यहाँ की स्थिति ये है, जहाँ हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उससे पहले जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। हमारे कैमरामैन जहान शर्मा उनको कैमरा दिखाने के लिए उतरे थे कि हम यहाँ मीडिया से आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं, पूरी ईंट यहाँ मारी गई, देखिए ईंट की वजह से शीशा टूट गया है, ये टूट गया है और हमारे चेहरे पर भी जो शीशा लगा उसका असर ये है कि अब हमारे चेहरे पे भी शीशे की वजह से हल्का सा खून शायद मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इस तरह की स्थिति यहाँ है। अभी तक जो चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा था, अब सुवेंदु अधिकारी के काफिले को देख कर ये हमला हुआ। चूंकि सुवेंदु अधिकारी के काफिले में पुलिस की गाड़ियां थी इसलिए वो निकल गए, लेकिन उसमें जो पीछे मीडिया की गाड़ियां थी वो जरूर चपेट में आई थी। ये सब वो गाड़ियां हैं जो पीछे फंसी थी और अब हर कोई कह रहा है कि यहां आगे बढ़ जाइए, जल्दी से निकलिए, और हम यहां जल्दी से निकल रहे हैं। कैमरामैन चाहन शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, नंदीग्राम। गाड़ी में इस तरीके से गांव से निकल रहे थे तब हम पर ये हमला हुआ, एक पत्थर यहां आया और जब वो पथराव करने के लिए आ रहे थे तो हमने अनुरोध किया कि हम मीडिया से हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, उसके बावजूद पत्थर आए, हमारे चेहरे पर शीशा लगा है जिसकी वजह से खून आ गया है, गाड़ी में ये ईंट के टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं, यहाँ सीट पर शीशा है, अगर अगर कैमरामैन अपनी सीट दिखाए तो ये भी शीशा टूट गया है। तो इतनी बड़े पत्थर यहाँ मारे गए, एक पत्थर अभी भी हमारी गाड़ी पर यहाँ आगे अटका हुआ है, और अगर इस पत्थर को मैं दिखाऊं एक बार, रहने दो, ये इस तरह का पत्थर है। सोचिए ये वो पत्थर है जो नदी में पाया जाता है, नालों में पाया जाता है, जिसको हम चट्टान का टुकड़ा कहते हैं, उस तरह का पत्थर है, और इस तरह के पत्थरों से यहाँ हमला किया गया और ये स्थिति यहाँ बनी हुई है। जो चुनाव अभी तक शांतिपूर्ण लग रहा था, सुवेंदु अधिकारी के काफिले में शामिल गाड़ियों पर हमला करने की कोशिश थी, सुवेंदु अधिकारी निकल गए और लपेटे में मीडिया वाले आ गए। कैमरामैन जहान शर्मा को भी एक पत्थर आकर लगा, हालांकि राहत की बात ये रही कि हमारे कैमरामैन फिलहाल सुरक्षित हैं। और ड्राइवर भैया आप भी ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ड्राइवर भी फिलहाल ठीक है। और ये नंदीग्राम की हिंसा वाली तस्वीर है, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी थी और आज ये कैमरे पर हुआ हमला है और ये यहाँ की स्थिति है। वहां से हमें भागना पड़ा और उसके बाद अब हम जब दूसरे इलाके में आ गए हैं तब ये रिकॉर्डिंग हम कर पा रहे हैं। आपने देखा पत्थर का टुकड़ा कितना बड़ा था, ये हमारे सहयोगियों के लग सकता था, सिर पर लग सकता था, कितनी बड़ी हानि होती। शायद ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ये कार्यकर्ता भूल चुके हैं, लेकिन आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसे इंडिया टीवी के कैमरामैन जहान शर्मा ने शूट किया है। जहान शर्मा हमले में खुद घायल हुए, बावजूद उसके उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, कैमरा ऑन रखा और इस पूरी घटना को उन्होंने पूरी जांबाजी के साथ रिकॉर्ड किया। आप देखिए ये पूरी तस्वीर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार देखिए। ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पत्थरबाज खड़े हुए थे जो लगातार गाड़ियों को टारगेट कर रहे थे। पवन नारा ने कहा कि शायद मीडिया की गाड़ी को देखकर वो रुक सकते थे और उन्हें रुकना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पत्थरबाजी की। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन नारा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पवन, इस वक्त आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, जहान कैसे? मीनाक्षी, सबसे पहले मैं बता दूं, जहान को भी एक पत्थर लगा है, दर्द है, लेकिन फिलहाल जहान ठीक है। मेरे चेहरे पर बहुत सारे कांच के टुकड़े लगे हैं जिनको मैं साफ नहीं कर सकता क्योंकि उनको रगड़ने से और ज़्यादा कटने की संभावना है। हल्की कुछ शीशे लगने की वजह से चेहरे पर शायद आप खून देख पा रहे हों। फिलहाल आप ये समझिए कि ये हमला गाड़ी पर नहीं किया गया, इंसानों पर किया गया। इस शीशे की ये गवाही है, एक निशाना यहाँ देखेंगे तो ड्राइवर के चेहरे पर लगाया गया, बिल्कुल ड्राइवर के चेहरे के सामने एक पत्थर मारा गया, एक निशाना मेरे यहाँ लगाया गया ताकि ये पत्थर मेरे चेहरे पे आ सके, एक निशाना कैमरामैन की खिड़की पर लगाया गया जो टूट गई है। यानी ये उनका मकसद गाड़ी को तोड़ना नहीं था, उनका मकसद जो गाड़ी में लोग बैठे हैं उनको घायल करना था, इसीलिए वो चेहरा देखकर या कहें कि इंसान देखकर हमला कर रहे थे।
हालांकि कैमरामैन जहान शर्मा ने कैमरा दिखाया उनको, मैंने आगे की तरफ जब हमला हुआ तो मीडिया की आईडी दिखाई और कहा कि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमला हुआ। वो तो ड्राइवर की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उस वक्त, जो उन्होंने तेज गति से वहां गाड़ी दौड़ा दी और हम उस इलाके से निकल पाए, चूंकि पीछे भी मीडिया की गाड़ियां थी और पोलिंग बूथ पर पुलिस तैनात थी, तो उनमें से कोई पुलिस के जवान आए तो उनको देखकर वो वापस भाग गए। स्थिति ये थी कि अगर उस वक्त गाड़ी ना भगाई जाती तो 15 से 20 लोगों की भीड़ बहुत सारे पत्थरों के साथ हमला करने के लिए तैयार बैठी थी। आपको बता दें इस वक्त हम नंदीग्राम के अंदरूनी इलाकों में घूम रहे हैं। यहीं पर शुवेंदु अधिकारी का काफिला जो कि अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहा है और मीडिया उसे कवर करने के लिए उसके साथ है, हमारी गाड़ी भी उसी काफिले में थी और ये हमला शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर किया गया चूंकि वो निकल गई थी और हमारी गाड़ी निशाने पर आ गई। लेकिन मीडिया की होने के बावजूद उन्होंने कोई रियायत नहीं दिखाई। शुवेंदु अधिकारी इस हमले के बाद हमारे से मिलने आए, उन्होंने कहा कि ये बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश है, जय बांग्ला के जो नारे लगा रहे हैं वो बांग्लादेश का नारा है, हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल का नारा नहीं है। और तो फिर उन्होंने कहा कि आपको इस बारे में एक कानूनी कार्रवाई करनी, आगे जाकर ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को घायल करने की कोशिश हो रही है, ये तो पॉलिटिकल राइवलरी से कहीं आगे है। चेहरा देख के पहचान के गाड़ियों को देखने के बावजूद अगर हमला किया गया है तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। जी, राजनीतिक हिंसा बंगाल की राजनीति का हिस्सा रही है और ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। पहले 34 साल तक लेफ्ट की सरकार, वाम दलों की सरकार रही, उस वक्त भी हिंसा होती थी। ममता बनर्जी भी इसी हिंसा से लड़ते हुए सत्ता में आई, लेकिन जब वो सत्ता में आई तो रक्त चरित्र सत्ता का नहीं बदला और वो हिंसा जारी रही। अब बीजेपी चुनौती दे रही है तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी लड़ते हैं और जब हिंसा राजनीतिक परिवेश का हिस्सा हो तो शायद वो हिंसा फर्क नहीं करती। राजनीतिक पार्टी में, मीडिया में हर कोई उन्हें अपना प्रतिद्वंदी नजर आता है, इस तरह की स्थिति समझी जा सकती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा मौजूद है, इसकी बार बार तस्वीरें आती रही हैं और आज इलेक्शन के वक्त की तस्वीर आपने भी देखी, हमने भी देखी और हमने खुद भुगत भोगी इस हिंसा के हम रहे हैं। बिल्कुल, ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह हमला है, पत्रकारों पर हमला किया गया है। इंडिया टीवी की गाड़ी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।